हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बायोलॉजी के ऊपर। साल 2002 के अंदर जो एआईपीएमटी एग्जाम हुआ था उसके ये बायोलॉजी के क्वेश्चन से। ओके, इनको हम पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशिएशन। यदि हमको स्पेशिएशन चाहिए है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंदर उसके जो स्पीसी है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेकंड वाला होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशिएशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आपका जो बी, फर्स्ट का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। जब देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं, कोई हमको रोक टोक नहीं हो, तो उस टाइम जो यानी अनरेस्ट्रिक्टेड कोई रोक टोक तो है नहीं, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जब जो होगी उसको हम कहेंगे बायोटिक पोटेंशियल। यानी एक स्पीसीज मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है उसकी, उस पोटेंशियल को हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो फर्स्ट ए वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू। कुछ बैक्टीरिया अब ऐसे म्यूटेशन उनके उन्होंने अब ऐसे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग ऐसे मीडियम जिनके अंदर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन भी डाल दिया है वहाँ पर भी ग्रो कर जाते हैं। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है, यानी वो नेचुरली सिलेक्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमीलॉग ऑफ पर मिनट ग्रोइंग बैक्टीरिया इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। कह रहा है कि हमने एक ग्राफ बनाया है, उसके अंदर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में बैक्टीरिया की ग्रोथ को देखा है। ठीक है, यानी कितने टाइम में बैक्टीरिया कितने ग्रो हो रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका ग्राफ होगा उसकी शेप कैसी होगी। जैसे ये ग्राफ मान लीजिए, ठीक है, इस साइड इन्होंने ले लिया है आपका टाइम, इस साइड ले लिया इन्होंने आपका टाइम, और इस साइड ले लिया इन्होंने ग्रोथ। ठीक है, इस साइड इन्होंने ग्रोथ ले ली, तो पूछ रहा है ग्राफ कैसा आएगा। देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसके अंदर जो और जो प्रोजनी उसकी होंगी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्टली होता है, तो उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग आएंगे जो अब उनकी ग्रोथ होगी बहुत फास्ट होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी टाइम के साथ इंक्रीज होगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन है ये। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो असेंडिंग स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, यानी ग्रोथ टाइम के साथ कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच एक्ट्स एट लो पीएच आर कॉल्ड एज। ठीक है, पूछ रहा है कि ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे जो लो पीएच पर काम करते हैं, तो उनको हम हाइड्रोलेजिज कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलेजिज, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्रोमेगली इज कार्ड बाई, एक्रोमेगली एक डिजीज है, पूछ रहा है कि किसके कारण होता है। देखिए, जब अडल्ट स्टेज के अंदर जब किसी और अडल्ट के अंदर जब ज़्यादा जो ग्रोथ हार्मोन है यानी ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उस केसेस के अंदर उसकी जो डिजीज होगी उस टाइम पे जो उसके अंदर डिजीज होगी उसको हम कहेंगे एक्रोमेगली। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा होने से होती है ना, तो ग्रोथ हार्मोन को जो सेकंड नाम हुआ हम कहते हैं एसटीएच, यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को। तो इस डिजीज ये कारण किसके कारण होती है, एक्सेस ऑफ एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण, यानी ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है अडल्ट के अंदर, जब ये एक्रोमेगली डिजीज होती है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीजन ऑफ फास्ट स्पेशिएशन इन प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स इज। जो प्रेजेंट डे क्रॉप है इनके अंदर स्पेशिएशन वेरी फास्टली हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, वो कारण हमसे पूछ रहा है। तो उसका रीजन है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी क्या होगा, जब ड्यूरिंग एनाफेज जब सेल डिवाइड होती है, यदि वो ना हो पाए तो एक पूरा का पूरा सेट जो न्यू सेल बनी उसके अंदर चला जाता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो उस केसेस को हम पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। तो स्पेशिएशन जो फास्टली हो रहा है प्रेजेंट डे क्रॉप्स के अंदर, वो उसका रीजन है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काज ऑफ मिमिक्री इज, मिमिक्री क्या होती है, किसी दूसरे की नकल करना। ठीक है, क्यों की जाती है, या तो वो
खुद को बचाना चाहे या किसी दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहे। जैसे कई ऑर्गेनिज्म कैसे हो क्या होते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए अपना उसका जो बैकग्राउंड होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग बैकग्राउंड हो, जैसे पत्ते वगैरह हो गए, उनके अंदर छुप जाता है, यानी हम उसको दिखाई नहीं देता, यानी खुद का वो बचाव कर रहा है, यानी प्रोटेक्शन कर रहा है। यदि उसको अटैक करना होगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो तब भी वो खुद को उस जो बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करेगा, ताकि वो जिसके ऊपर जिसके ऊपर वो अटैक करना चाहता है वो ना कर पाए। ठीक है, तो मिमिक्री की जाती है अटैक और प्रोटेक्शन दोनों के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड एज। यदि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, इसी को तो म्यूटेशन कहते हैं। चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। चार ऑप्शन से आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट मैच है। सबसे पहले दे दिया इन्होंने डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के आगे लिख दिया 21st क्रोमोसोम की, ये बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ पे। तो क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर 21st जो क्रोमोसोम है वो इंक्रीज, उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है, तो इसके अंदर डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग लंबी हड्डियाँ होती हैं हमारी बॉडी की, उनके अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उनके बीच के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे होता है आपका हेलिन कार्टिलेज, क्योंकि ये वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है कि जब बोन आर्टिकुलेट करते हैं, जब एक बोन दूसरे के अंदर फिट होती है, तो वहाँ पे ये मूवमेंट में हेल्प करता है हेलिन कार्टिलेज। तो दो बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि बैटवीन में होता है हेलिन कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फ्लूड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूड मोजाइक मॉडल के अंदर क्या कहा गया कि जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोमोलिकुलर लेयर की होती है, ठीक है, और उसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट के अंदर, और वो उसका मिडल पार्ट होता है। ठीक है, तो इन फ्लूड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलिकुलर लेयर मिडल पार्ट। ओके, तो सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो के अंदर हम अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, चाहूँ तो मैं पूरे क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि इसके कुछ पार्ट कर दिया। ये 3 पार्ट के अंदर ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा ताकि आप तीनों पार्ट कर सकें, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके विद फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स। देखिए, आपका जो इवोल्यूशन चैप्टर है ना, उसके अंदर ये होमोलोगस एनालोगस, इसको तो आप पूरा ग्रिप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पूरी तरह से पकड़ बना लीजिएगा उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कभी एग्जाम्पल पूछ लेंगे, कभी उनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, ठीक है, कभी पूछ डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट करके पूछ लेंगे, यानी होमोलोगस एनालोगस के ऊपर बहुत अटक ये बार बार अटके रहते हैं, वहीं पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको पक्का कर लीजिएगा, उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लीजिएगा। तो होमोलोगस ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है कि उनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजन और जो एनाटॉमिकली वो सेम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स, जैसे कि स्पैरो हो गया, एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेज। ठीक है, ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट पूछ रहा है कि कहाँ पे ऑपरेट हो सकती है, चल सकती है, हो सकती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली जो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है वहाँ पे होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनली विच टाइप ऑफ हॉर्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन फीमेल जो होती है उनके अंदर पूछ रहा है कि कौन कौन से हॉर्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो तो आपका चाहे वो फॉलिकल स्टाइमुलेटिंग हॉर्मोन हो FSH हो, चाहे आपका ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन हो LH हो या एस्ट्रोजन हो, तीनों के तीनों इसको अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मेनली ये मेंटेन करते हैं, और आपका प्रोगेस्टेरोन क्या करता है आफ्टर प्रेगनेंसी उसको मेंटेन रखता है। तो सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, कह रहा है कि मून के ऊपर कोई लाइफ नहीं है, किस कारण नहीं है। देखिए, मून के ऊपर लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, और
लाइट और टेम्परेचर दो तो प्रेजेंट है मून के ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। पूछ रहा है कि किसके कारण लाइफ नहीं है। देखिए लाइफ पूछ रहा है, ह्यूमन बींग्स की नहीं पूछ रहा। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो तो विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, यानी लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन यदि वाटर नहीं है तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एनोरोबिक रेस्पिरेशन करते हो या एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो। तो वाटर इज द मेन रीज़न, ठीक है। यदि वाटर नहीं है तो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑक्सीजन के बिना भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम रैट, विच हार्मोन इज डिक्रीज इन ब्लड। देखिए ओवरीज की जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर, जो ओवरी के अंदर जो आपका फीमेल बनता है उसके अंदर ग्रेफिन फॉलिकल्स वगैरह होती हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स की लेयर एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यदि ओवरीज नहीं रहेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे। तो इसके जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स डिस्कवर्ड अप टू प्रेजेंट टाइम, ओरिजन एंड इवोल्यूशन मैन वाज स्टार्टिंग फ्रॉम विच कंट्री। कहता है कि अब तक हमको जो भी फॉसिल्स मिले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड, तो पूछ रहा है कि इवोल्यूशन मेनली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से किस कंट्री से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है मैन का। तो वो कंट्री है अफ्रीका, ठीक है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट फॉसिल्स वगैरह मिले हैं, तो पूरी तरह से अफ्रीका को ही माना जाता है कि यहीं से इवोल्यूशन ह्यूमन का स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेनिन प्रोटेक्ट फ्रॉम, मेलेनिन जो हार्मोन है हमको अंडर द एक्शन होता है वो मेलेनोसाइट्स के, तो मेलेनिन हार्मोन हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, मेलेनिन हार्मोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज, तो ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेजेज ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। तो यहाँ भी ये ग्राफ की बात कर रही है बैक्टीरिया के केस में। जैसे ऐसा ग्राफ ले लिया तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ ऐसे भी हो सकती है यदि रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लैग भी आ सकता है, लैग फेज भी होगा, लॉग भी होगा आपका, फिर स्टेशनरी भी होगा, फिर डिक्लाइनिंग भी होगा, ठीक है। तो चारों फेज होंगे बैक्टीरिया की यदि हम कर्व बनाएंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले आप ये समझें कि लिम्फ होता क्या है, ठीक है। जितना भी आपका जो ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, यदि ब्लड में से हम आरबीसी और सम प्रोटीन्स को यदि हम माइनस कर दें, निकाल दें, तो उसके बचे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि लिम्फ क्या होता है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स। यदि हम ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें से आरबीसी और प्रोटीन्स निकाल दें तो वो लिम्फ कहलाता है। तो बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूल ऑफ ए पर्सन कंटेन्स वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गन। देखिए जो स्टूल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है किसी भी पर्सन का, यदि उसके अंदर वाइटिश ग्रे कलर यदि आपको दिखाई दे तो आप पे किस ऑर्गन की डिफॉल्ट माल फंक्शनिंग उसके अंदर किस ऑर्गन की कमी मानेंगे, तो वो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा लीवर, ठीक है। लीवर रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए। ओके, तो डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन, एड्रेनलिन हार्मोन डायरेक्टली किसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो आपका एसए नोड है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन एसए नोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर के लिए कौन सा जो इनमें से कंटेंट है यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए यूज होगा आयोडीन 131 आइसोटोप। ओके, तो ये कैंसर के रूप में यूज कर सकते हैं हम आयोडीन 131 को, या कोबाल्ट 60 भी होता है आपका वो भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा आयोडीन 131। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, वट इज़ द मेन रीजन फॉर दिस। कहता है कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इट्स ट्रू, हो रही है डिक्रीज तो हो रही है, क्यों हो रही है उसका रीजन पूछा है। वैसे तो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं आपको, चाहे आपका प्रीडेशन हो, चाहे आपका कटिंग डाउन फॉरेस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स या हंटिंग, चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल हैं आपके वाइल्ड लाइफ के नंबर डिक्रीज होने में। लेकिन मेन रीजन क्या है,
देखिए, यदि हम किसी भी जहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ कोई भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, यदि हम उसके हैबिटेट को ही नष्ट कर दें, यदि हम वहाँ के हैबिटेट को वहाँ से ख़त्म कर दें, तो क्या होगा? वे ऑर्गेनिज्म खुद को प्रीडेटर से भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे वो छुपते थे, अपने आप को हाइड करते थे, वो प्लेस तो हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया, हमने हटा दिया वहाँ से, ठीक है। और उसका शिकार भी किया जा सकेगा, यदि वो छुप नहीं पाएंगे तो उनका प्रीडेशन भी होगा, उनका शिकार भी, हंटिंग भी होगी, ठीक है। तो मेन रीज़न इसके लिए होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। यदि हम फॉरेस्ट को भी कट करते तभी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा वाइल्ड लाइफ के नंबर डिक्रीज होने का, वो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, जो हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो मोस्ट ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ चुका होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, एस ए नोड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। हार्ट बीट के जो इम्पल्स हैं वो एस ए नोड से ओरिजिनेट होते हैं, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन। देखिए, लिगामेंट्स का काम क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है, ठीक है, दो, यदि मान लीजिए दो डिफरेंट बोन्स है, तो आपस में ये बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यदि हम लिगामेंट्स को या तो कट कर दें या उनको तोड़ दें, तो उससे क्या होगा, जो बोन्स होंगी वो अनफिक्स्ड हो जाएंगी, उनकी पोजीशन बिगड़ जाएगी, जैसे पहले वो अटैच थे, जैसे उनकी पहली पोजीशन थी, वो पोजीशन अनबैलेंस्ड हो जाएगी, अनफिक्स्ड हो जाएगी, तो बोन्स विल बिकम्स अनफिक्स्ड, ठीक है। तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कहता है कि कोई हमारी बॉडी का पार्ट यदि इंजर्ड हो जाए, घायल हो, जोखिम घायल हो जाए, तो वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग, यदि खून बहता रहे लगातार, तो उसका कारण कौन सा हो सकता है, कौन सा विटामिन हो सकता है इनमें से? तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा विटामिन के की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन के हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन के बनने में, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन फर्दर जाके ब्लड क्लोटिंग करता है, तो विटामिन के की कमी होगी तभी जाके प्रथम में नहीं बनेगा, और यही जो सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है अबाउट नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, नोड ऑफ रणवीर के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये आपके न्यूरल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो नोड ऑफ रणवीर ऐसा रीजन होता है जहाँ पे माइलिन सेथ डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है, माइलिन सेथ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है उस रीजन के अंदर। तो जहाँ पे माइलिन सेथ डिसकंटिन्यूस हुई वहाँ पे क्या बन जाएगा, नोड्स ऑफ रणवीर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन आपका है माइलिन सेथ डिसकंटिन्यूस, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन ब्रेड ब्रेड जब बनता है बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ सी ओ टू बाई द एक्शन ऑफ, जो आपके ब्रेड होती है उसके जो आपको छोटे छोटे छिद्र यानी पोरस वो दिखाई देती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर से सी ओ टू निकल जाती है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी ओ टू किसके एक्शन से निकलती है, क्यों निकलती है, कौन इसको निकालता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका यीस्ट, ठीक है। यीस्ट आपके बियर बनाने में काम आता है, आपके जो ब्रेड वगैरह बनाने में काम आता है, इसीलिए इसको हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। ओके, और यदि हम बियर वगैरह बनाएं तो ब्रेवर्स यीस्ट भी कह देते हैं इसको। तो ये होता है यीस्ट के एक्शन के कारण, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट, जो आपका गोबर गैस प्लांट है वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? तो वहाँ पे यूज करते हैं हम मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस का यूज करते हैं, तो ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स, नीचे तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विदाउट एक्सेप्शन ढूंढना है, यानी हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनका कोई जिस ऑप्शन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता हो। तो पहला आपको दिया है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, नहीं, कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, तो ये तो होगा नहीं। फिर डबल फर्टिलाइजेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन सब के सब एनजीओ, जितने भी एनजीओ समय सब डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और कई कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब एंजियोस्पर्म्स इसको परफॉर्म करते हैं, तो बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।
इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जो फाइव किंगडम सिस्टम दिया गया है इसका मेन आधार क्या है, बेस क्या है, किस बेसिस पे दिया गया है, तो ये दिया गया है कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे फंगस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी है उनके अंदर, ये मेन बेसिस है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरा रेप्टाइल्स डोमिनेटेड, कहता है कि ऐसा कौन सा एरा था, युग था, जिसके अंदर जो रेप्टाइल्स थे वो सबसे ज्यादा हो गए थे, डोमिनेट हो गए थे, तो वो एरा था मेसोजोइक एरा, इसके अंदर जो रेप्टाइल्स हैं डोमिनेटेड हो गए थे अर्थ के ऊपर, ओके, तो बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं तो हमको कैसे पता चले कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। देखिए स्पीसीज की डेफिनेशन के अंदर लिखा होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सकें, उनको हम सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल कहेंगे, उसी को हम स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका इनब्रीडिंग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेम स्पीसीज से वे इंडिविजुअल बिलोंग कर रहे हैं, यही ट्रू स्टेटमेंट है, तो सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए डिफरेंट हैबिटेट्स होना ये भी कुछ शो नहीं कर रहा है, और ना ही सेम हैबिटेट शो कर रहा है, ना ही सेम निके शो कर रहा है। इंटरब्रीडिंग यदि किसी भी स्पीसीज के अंदर हो रहा है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन पोल्यूटेड वाटर, कहता है कि नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो पोल्यूटेड वाटर के अंदर नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर होगा आपका लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर वाटर के अंदर मिलेगा, तो बाकी सब जो सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, बाकी ए बी और डी जितने भी हैं ये सब पोल्यूटेड वाटर के अंदर पाए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामेशियम एन ऑर्गनली इज फाउंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन विच इज, अमीबा और जो पैरामेशियम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने एमसीक्यू थे, हम इस जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यूस करेंगे, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 30-35 एमसीक्यू होंगे, तो आप जुड़े रहिए चैनल से, ये मोस्ट हेल्पफुल है आपके लिए, यदि आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बताइए किसी क्वेश्चन के बारे में, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।